हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की डेट में बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, अगर बात बताऊं उस शेयर से रिलेटेड काफ़ी बार वीडियो बन चुकी है, बट इस बार वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है, देखिए फार्मा के स्टॉक काफ़ी सारे भागते हुए नज़र आते हैं, बट अगर पर्सनली मैं बात करूँ, मेरा फेवरेट एज वेल एज काफ़ी लोगों का फेवरेट, FIIs का फेवरेट, DIIs का फेवरेट, बात करें एक ही शेयर है, एक शेयर चाहिए शेयर है, अच्छे रिजल्ट, ओके अच्छे खासे उसने गेन दिए हैं, ओके शेयर आपको 100% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है, तो हर एक पैरामीटर पर वो शेयर आपको फिट बैठता है, मुझे ऐसा जो मुझे पर्सनली लगता है। देखिए सन फार्मा, लुपेन एज वेल एज वॉक या वॉक फार्मा और जो भी जितने छोटे मोटे जो फार्मा स्टॉक्स है, ओके अगर एज वेल एज बात करें यहाँ पर सिप्ला, इन सबसे बेहतरीन शेयर यहाँ पर मुझे नज़र आता है। देखिए ये Nifty 50 के है और ये भी शेयर Nifty 50 का है, जहाँ पर आप वहाँ पर पैसा लगा रहे हो वहाँ पर मैं चाहूँगा कि Nifty 50 में देखिए, यहाँ पर नया भी ऐड हुआ था, नया ऐड हुआ था, काफ़ी लोग उससे पहचान गए होंगे जो मार्केट में ऑलरेडी होंगे, प्राइस दिखाऊंगा तो आप पहचान जाओगे। ओके तो अगर बात करूँ, ये शेयर दिग्गज शेयरों में आता है और मेरा तो फेवरेट है और मैंने इससे काफ़ी पैसे यहाँ पर कमाए भी है और फ्यूचर में दोबारा मैं कमाऊंगा। आपको कुछ टेक्निकल से रिलेटेड बातें बताएंगे, कुछ इसके फंडामेंटल से रिलेटेड बातें करेंगे, तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। एज वेल एज एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियोज़ में आई थिंक काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्वालिटी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या फिर आवाज़ से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो मेरे इतिहास में हो सकता है, और सून आपको अच्छी खासी वीडियोज़ मिलेंगी, अच्छे खासे तरीके से मैं बनाता हुआ दिखाऊंगा आपको वीडियो, वीकेंड पे मैं यही काम करने वाला हूँ, तो उसके तब तक के लिए प्लीज माफ करिएगा और वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल की डेट में भी यहाँ पर अच्छी खासी वीडियोज यहाँ पर आई है Q4 से रिलेटेड, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में अच्छा खासा गेन मिल सकता है, तो इन वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, देखिए आज रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट जब हमें आते हुए दिखे तो आपके सामने यहाँ पर ना रिजल्ट है, तो अगर हम मैं बात करूं यहाँ पर टोटल इनकम की, देखिए कल एप्कल ऐप का भी आया था, एप्कल ऐप के रिजल्ट काफ़ी बेकार आए थे, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए, और यहाँ पर अगर बात करें 1,74,124 ओके लैक्सिन रुपीज़ का यहाँ पर इस बार की इनकम है, इससे पहले 1,67,000 था, इससे पहले 1,45,000, तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में भी इनका कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस भी ज़्यादा कर रहे हैं, देखिए जहाँ पर इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंस बढ़ते हैं, बट थोड़े बहुत ही बढ़े तो फायदा सही रहता है। तो यहाँ पर बात करें 1,08,906, इससे पहले 1,04,620, इससे पहले 97,000 के आसपास एक्सपेंस थे, तो मतलब एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आए नो डाउट। बट अगर बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पर देखिए 65,218, इससे पहले 62,000, इससे पहले 47,000, और अगर बात करें टोटल टैक्स वगैरह देने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 48,793 लैक्सिन रुपीज का प्रॉफिट है इस बार का, इससे पहले 46,124 का था लास्ट क्वार्टर का, और बात करें एक साल पहले का 39,180 लैक्सिन रुपीज था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने अच्छा खासा, यहां पर अगर बात करें तो अच्छा खासा गेन दिया है, एज वेल एज अगर बात करते हैं यहां पर इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और बाकी यहां पर देखिए ₹18 का यहां पर ये चल रहा है इसका EPS, अर्निंग पर रेशियो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 18.38 का है, इससे पहले ₹17 का था, इससे पहले 14.76, तो मतलब हर एक पैरामीटर कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। और मैं ऑलवेज कहता हूँ कि जब कोई कंपनी कंसिस्टेंसी दिखाती है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस ही नहीं क्वार्टरली बेसिस पे भी कंसिस्टेंसी दिखाती है, उससे अपने पोर्टफोलियो में जगह देने का मकसद बनता है। और अभी ये देखिए शेयर ऑल टाइम हाई पे है, अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ओके वो अभी भाग भी सकता है थोड़ा बहुत, बट रिकमेंड नहीं करूंगा, एक बार शेयर अगर थोड़ा सा गिर जाता है फिर उसके बाद यहाँ पर उठाओगे लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा खासा गेन मिलता हुआ नजर आएगा। यहां पर अगर कुछ और बातें कर लेते हैं, देखिए प्राइस एक्शन से ही आपको पता चल गया होगा, जो मार्केट में है रेगुलर जो ट्रैक करते हैं शेयर्स को, तो उन्हें पता चल गया होगा कि शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूं, बट कोई इशू नहीं है, यहां पर अभी आपको पता चल जाएगी। 52 वीक लो की बात करें 2000 था, इससे पहले बात करें यहां पर 10 मई को इसने 52 वीक हाई 4200 के आसपास गया था, और जब ये 3,600, 3,300, 3,400 के आसपास चल रहा था, वीडियो बना के आपको बताया गया था कि इसे खरीदिए, ये वैल्यूएबल स्टॉक आपको बड़े कम प्राइस पर मिल रहे हैं, नहीं मिलते ऐसे स्टॉक। यहाँ पर बात करें 1,19,000 शेयर, लगभग 25% के शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं, तो रिजल्ट तो यहाँ पर आ ही गए हैं, ओके यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग FIIs की है, एज वेल एज यहाँ पर बात करें यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, तो मतलब
यहाँ पर दिखा नहीं रखा, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंपनी का नाम पहली बात बता देता हूँ, ये है डिविस लेबोरेटरी। यहाँ पर देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 1.12% यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। 5 डेज में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव दिखाई देगा क्योंकि ऊपर से नीचे आया था। 1 मंथ में भी देखिए फ्लैट। 6 मंथ की बात करें तो एक अच्छी खासी यहाँ पर बार बार जी जब जब यहाँ पर शेयर आया ना, मैंने आपको वीडियो बना के बताया कि इस शेयर को लीजिए, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है और ये बार बार नहीं मिलती है। 26% के रिटर्न आपको 1 से 1.5-2 महीने के अंदर अंदर मिले हैं। तो इस तरीके से आप चूज करोगे और स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी करोगे तो अच्छे खासे पैसे यहाँ पर मार्केट में बना सकते हो। और निफ्टी 50 का स्टॉक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक, अगर बात करें स्मॉल कैप या मिड कैप की, यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी की बात की जा रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना होगा और इस हिसाब से आप ट्रेडिंग या फिर इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग या फिर इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा मार्केट में बनाएंगे और 10 साल के अंदर अंदर आप अपने आप को करोड़पति बना सकते हैं विद अ लिटिल अमाउंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको 1 करोड़ रुपए लाओगे तो 1 करोड़ बना लोगे, ऐसा नहीं कह रहा। आप 1 लाख 5 लाख भी लेके आओगे ना मार्केट में और लगाओगे और इस सही तरीके से ट्रेडिंग इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छा खासा पैसा बनेगा। नो बडी कैन स्टॉप यू, दिस इज माई गारंटी। अगर बात करें यहाँ डिविडेंड की, 20 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर दिया है और जो बाजार की एस्टिमेट थी ना उससे भी यहाँ पर पार। इसके अलावा बात करें, एक बार यहाँ पर स्प्लिट भी आया 2007 में, एज वेल एज बोनस की बात करें तो 2 बार बोनस 2009 और 2015 में, ओके 2 बार कंपनी ने बोनस भी दिया और 2015 में बोनस दिया। देखिए 6 साल का यहाँ पर रेशो रहता है, मेरे को लगता है कि इस साल देखिए जून अगस्त में ही यहाँ पर देता है, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में शायद ये आपको बोनस देता हुआ भी नजर आ सकता है क्योंकि देखिए 6 साल का गैप नजर आ रहा है और दोबारा 2015 से 2021 6 साल हो गए हैं तो दोबारा यहाँ पर कंपनी बोनस अनाउंस कर सकते हैं और एक बार बोनस अनाउंस हुआ तो यहाँ पर आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो थोड़ा इस चीज को अगर आपको ये डिप में मिलता है ना तो उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके यहाँ पर अभी जिस तरीके से रिजल्ट आया कल की डेट परसों की डेट में भागता हुआ दिख सकता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत भागने के बाद करेक्ट होते हैं शेयर, ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ रैली बनती जाती है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर नीचे मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म के व्यू से यहाँ पर देख सकते हैं। 1,09,380 करोड़ का मार्केट कैप है, 24% के ROC है, डेट फ्री कंपनी है, कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है। फार्मा के बिजनेस में है ही, आपको पता ही है, APIs में काम करती हुई नज़र आती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नज़र, मतलब कंपनी को यहाँ पर PLI स्कीम का भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। ओके यहाँ पर अगर बात करें सेल्स की, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स मतलब कंसिस्टेंसी है। 1,018 पिछले 12 महीने का यहाँ पर डेटा, 12 क्वार्टर का बता रहा हूँ कि यहाँ पर 1,088 से लेके सीधे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर 1,656 और अभी जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर इन रिजल्ट को भी बीट कर दिया है और यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके कंपनी नजर आएगी। नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर ही आ रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर में, इस चीज़ को याद रखना है। इस बार का प्रॉफिट और हाईएस्ट एवर है। बात करें यहाँ पर भी हाईएस्ट एवर ही नेट प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंसिस्टेंसी है, 1,191 करोड़ से सीधे यहाँ पर लगभग 6,500 करोड़ तक यहाँ कंपनी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है और जब हाईएस्ट एवर रिटर्न्स आते हैं ना तो हमेशा याद रखिएगा हाईएस्ट एवर रिटर्न्स कंपनी दे रही है, कंसिस्टेंसी पर यहाँ पर इनके प्रॉफिट एज वेल एज सेल्स एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नजर आती है। तो ऐसी कंपनी को पार्ट बनाइए अपने पोर्टफोलियो का और फिर अच्छा खासा यहाँ पर आपको गेन मिलेगा। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स देखिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 8,200 मतलब बात करें 1,200 करोड़ से सीधे 8,200 करोड़, मतलब आप समझ रहे हैं इसका मतलब 7 times यहाँ पर कंपनी परफॉर्म करके दिखा रही है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है। ओके यहाँ पर देखिए मतलब कंपनी अपने ऊपर खर्च भी कर रही है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में यहाँ पर काफ़ी खर्च करती हुई नज़र आ रही है, फिक्स एसेट बढ़ रहा है। मतलब एक बार जब ये चीज़ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी और यहाँ पर जो इन्होंने खर्च किया है यहाँ पर ऐड होता हुआ नज़र आएगा, कंपनी का ये जो प्रॉफिट है ना यहाँ पर जो अच्छा खासा प्रॉफिट रिजर्व्स आए हैं, जो यहाँ पर ये प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए नज़र आते हैं इस केस में। ओके तो यहाँ पर ये सब चीज़ इन्वेस्टमेंट है, कंपनी का कैश अच्छा खासा है, ट्रेड का यहाँ पर रिसीवेबल अच्छा खासा है। ROCE की बात करें, कभी भी 20 से नीचे तो आई नहीं है, 21 का यहाँ पर लास्ट था 2 साल पहले। अगर बात करें 51.95% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। FIs की बात करें 19 से 20% की होल्डिंग है, DIs के पास भी 16% की होल्डिंग है, 17% की, और पब्लिक के पास बात करें तो पब्लिक के पास ना के बराबर होल्डिंग है 10-11% की। इस होल्डिंग को होल्डिंग नहीं कहते, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के काम करिए तो आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल्स। देखिए RSI की बात करें, RSI भी इसका हाईएस्ट एवर चल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ये अपडेट हो गया, एक मिनट दीजिए मुझे।
तो देखिए यहाँ पर ही आ गया। अगर बात करें RSI की, तो RSI भी देखिए इसका हाईएस्ट एवर RSI चल रहा है 65 के आसपास। थोड़ा बहुत देखिए जंप दिखा सकता है, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये शेयर कल की डेट में या मंडे की डेट में और भागता हुआ नजर आएगा, तो 4400 रुपीज़ तक जा सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये शेयर ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ रैली बनाते हो, नीचे गिरते हुए भी नजर आता है। इससे पहले भी देखिए यहाँ पर गया था, फिर गिरा था, फिर इसके बाद यहाँ पर गया था, अभी यहाँ हाईएस्ट एवर पे ट्रेड कर रहा है। और हाईएस्ट एवर पे मैं इस चीज़ को भी कहता हूँ कि हाईएस्ट एवर जब ट्रेड करे तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके वेट करो। मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन जिस दिन हुआ ये शेयर भी नीचे आएगा, जब जिस दिन ये शेयर नीचे आएगा एक्यूमुलेट कर लेना। ओके, ये 3700 के आसपास यहाँ मिले, आपको अच्छा खासा गेन फ्यूचर में मिलता हुआ नजर आएगा। तो अगर बात करें सन फार्मा, लुपिन, एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर सिप्ला, इप्का लैब, तो इन सभी शेयर से यहाँ पर ये शेयर काफ़ी प्रॉमिसिंग निफ्टी 50 का पार्ट है। ओके, तो निफ्टी 50 का पार्ट ऐसी किसी भी शेयर को नहीं बनाते इस चीज़ को। और हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिटर्न आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है ईयरली क्वार्टरली बेस पे। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप ट्रेड करेंगे एज वेल एज इस चीज़ को हिसाब को रख के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट में चार चांद लग जाएगा। और बाकी बात करें यहाँ पर बोनस की, तो बोनस 6 साल में मिल रहा है, दोबारा बोनस मिल सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, खुद की स्टडी करिए। बाकी बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें आप और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।